हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अल्ला वैकुंठपुरमलू, जिसका हिंदी वर्जन रिलीज होने वाला था 2020 की, ये तेलुगु एक्शन ड्रामा 26 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज अब नहीं होगी। इस खबर से कार्तिक आर्यन के फैंस बहुत खुश हैं। दरअसल अल्ला वैकुंठपुरमलू की हिंदी रिमेक शहजादा में कार्तिक आर्यन अहम किरदार निभा रहे हैं। जाहिर है, यदि अल्ला वैकुंठपुरमलू का हिंदी डब थिएटर में रिलीज होता तो शहजादा के बिजनेस पर भी इसका प्रभाव पड़ता। अब जबकि फिल्म की रिलीज डेट टल चुकी है, शहजादा की टीम ने अल्ला वैकुंठपुरमलू के मेकर्स को धन्यवाद कहा है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार पुष्पा दी राइज अभी भी देश भर के सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चल रही है। एक ही समय में सिनेमाघरों में अन्य अल्लू अर्जुन फिल्म पेश करना बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं मानते। दिलचस्प बात यह है कि पुष्पा के ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद लोग अभी भी सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। बता दूं, बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड कलेक्शन के साथ धूम मचाने और इसके हिंदी वर्जन द्वारा 90 करोड़ रुपए के करीब करीब पहुंचने के साथ पुष्पा दी राइज रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। ये अल्लू अर्जुन के लिए एक नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बन गया है। देखा जाए तो पिछले काफी सालों से साउथ की फिल्मों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। साउथ की कई पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो रही हैं के बाद कई साउथ की फिल्मों को हिंदी में रिलीज किया गया, जिसे सफलता भी मिली है। वेल, अल्ला वैकुंठपुरमलू की बात करें तो उसका टोटल कलेक्शन था 160 करोड़। ये फिल्म फ्यूचर में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है। 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये। साल 2020 में ही अल्ला वैकुंठपुरमलू की ऑफिशियल हिंदी रिमेक की अनाउंसमेंट की गई थी। फिल्म में कार्तिक आर्यन और किटी सैनोन अहम किरदार प्ले करते नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 4 नवंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के लिए लोग काफी एक्साइटेड हैं। देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की एनर्जी को कितना मैच कर पाते हैं कार्तिक आर्यन। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।